हम बात कर रहे हैं कैस्ट्रॉल इंडिया की। आज के दिन की बात करें तो फिलहाल 3% के अपसाइड के साथ स्टॉक हमको ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। हम देख सकते हैं स्टॉक जो 202.50 पैसे पर फिलहाल हमको ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। मॉर्निंग में हमको बड़ी गिरावट देखने के लिए मिली थी, 192 तक का फॉल देखने के लिए मिला। अगेन हमको स्टॉक में आप रिकवरी देखने के लिए मिली है और इस रिकवरी के साथ जो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बनने वाला था, तगड़ा रेजिस्टेंस 200 का लेवल, इसको ब्रेकआउट करके स्टॉक ऊपर की ओर ही कंसोलिडेट होता हुआ नज़र आ रहा है। हम देख सकते 208 के लेवल से स्टॉक ने रिजेक्शन दिखाया था और अब स्टॉक अपने हाई के आसपास ही ट्रेड हो रहा है, बाउंस बैक किया है। हमको यहाँ बड़ी बाइंग देखने के लिए मिली है तो इस बाउंस बैक के साथ अब स्टॉक इस हाई को ब्रेकआउट देता हुआ नज़र आ सकता है, इसके पूरे पूरे चांसेस बनते नज़र आ रहे। और जिस तरह से बाउंस बैक हुआ है 192 के लेवल से, ये इसका सिग्नल है कि यहाँ से और बड़े टारगेट अब कैस्ट्रॉल इंडिया हमको दिखा सकता है। सपोर्ट लेवल को अगर डिस्कस करें तो इमीडिएट सपोर्ट लेवल 200 का लेवल, इसको ब्रेक डाउन कर जाता है तो ये जो लो है जहाँ स्टॉक इससे पहले सपोर्ट लिया करता था 195-196 का लेवल, और स्टॉक जब तक 190 के ऊपर है इसमें बड़ी गिरावट नज़र आना मुश्किल है। अब यहाँ से हमको नज़र रखना है इसके इस हाई पर 208 के लेवल पर, यहाँ तक का जंप हमको अगेन देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन इस बाउंस बैक के साथ आप ब्रेकआउट के चांस बनते नज़र आ रहे, क्योंकि हम यहाँ पैटर्न भी देखें तो अब हमको यहाँ हायर हाई पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। जंप आया है, गिरावट, जंप आया है, हाई ब्रेकआउट हुआ है, अगेन गिरावट, जंप आया है तो ये हाई ब्रेकआउट हुआ है। अगेन यहाँ से छोटी मोटी सेलिंग देखने के लिए मिल रही है। इस बाउंस बैक के साथ स्टॉक जैसे 208 को ब्रेकआउट करेगा अगला टारगेट बनेगा 210, और 210 के ब्रेकआउट के बाद कैस्ट्रॉल इंडिया में हमको 214 से लेकर 220 तक 220 तक के भी टारगेट हमको शॉर्ट टर्म में ही देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो जो एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है।